नमस्कार। दिनभर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिनभर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर्स। अफगानिस्तान में जब सरकार का राज हुआ करता था तो लोग खुलेआम सड़कों पर आराम से घूमते थे, लेकिन अब जब से तालिबान और दहशतगर्द अफगानिस्तान में घुस चुके हैं तो अब महिलाओं, बच्चों से लेकर सभी में डर का और भय का माहौल है। हालांकि तालिबान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को भरोसा दिलाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तालिबान पहले जैसा ही है। साथ ही साथ कहा गया कि अफगानिस्तान की जमीन का गलत प्रयोग नहीं किया जाएगा, बाकी देश तालिबान का साथ दे। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने महिलाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चिंताओं पर अपना पक्ष रखा। तालिबान ने मंगलवार को इस्लामी कानून के तहत महिलाओं के अधिकारियों का सम्मान करने का वादा किया और अपना विरोध करने वालों को माफी देने तथा सुरक्षित अफगानिस्तान सुनिश्चित करने की घोषणा की। यह घोषणा विश्व के नेताओं और डरे हुए लोगों को यह दिखाने का प्रयास है कि अब तालिबान बदल चुका है। कुछ ही दिनों में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने वाले तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि संगठन के लड़ाके किसी से बदला नहीं लेना चाहते और सभी को माफी दे दी गई है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर भले ही कब्जा कर लिया हो, लेकिन तालिबान के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती खुद को मान्यता दिलवाने की है, जहाँ चीन, पाकिस्तान और सऊदी जैसे कुछ देश आने वाले समय में तालिबानी सरकार को मान्यता दे सकते हैं, तो कनाडा ने तालिबानी सरकार को मान्यता देने से साफ तौर पर मना कर दिया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तालिबान एक आतंकी संगठन है। अब ऐसे में देखना होगा कि भारत का इस मामले में क्या रुख रहता है। अफगानिस्तान में जारी सियासी संकट के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने भी तालिबान के कब्जे को जायज बताया। उन्होंने कहा कि तालिबान में जो अफगानिस्तान का कब्जा है वो पूरी तरह से जायज है। इसके अलावा उन्होंने तालिबानी लड़ाकों का की तारीफ भी करी और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। वही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो तालिबान के कब्जे से काफी ज्यादा खुश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद लोमानी ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तालिबान की तारीफ की। मौलाना ने कट्टरपंथियों को बधाई देते हुए कहा कि हिंदी मुस्लिम आपको सलाम करता है। आपको बता दें कि इससे पहले एक दिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को सही बताया था। तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ना सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को महंगा पड़ गया। दरअसल शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ बीजेपी नेता राजेश सिंगल ने संभल सदर थाने में शिकायत दी है। उन्होंने विवादित बयान देने और लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सपा सांसद ने अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान की तारीफ की थी। वहीं मामला बढ़ता देख सपा सांसद ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति गिराए जाने के विरोध में आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और दिल्ली बीजेपी का जो सिख प्रकोष्ठ है उसकी अध्यक्षता में जो है प्रदर्शन हो रहा है और तमाम आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता जो है पाकिस्तानी एम्बेसी के पास जो है प्रदर्शन करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर विरोध जो है किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर जो है लगातार इस तरीके के हमले जो है किए जाते हैं। और अब एक तस्वीर ये भी दिखाएं कि पाकिस्तान के रूप में जो पुतला है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है लाया गया है। यहाँ पर इन तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता है वो पाकिस्तान के विरोध में जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर अगर पुलिस की बात करें तो भारी संख्या में जो पुलिस के
जवान है और उसके साथ साथ जो अन्य अलग अलग फोर्सेज के जवान है वो यहाँ पर देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेटिंग जो है पुलिस ने की है, ज्यादा तौर पर जो वाटर कैनन की गाड़ी है वो भी यहाँ पर जो है खड़ी हुई जो है देखने को मिल रही है और तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे जाने जो है फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं को बस के अंदर डिटेन भी जो है यहाँ पर जो है किया गया है। तो ऐसे में टकराव की स्थिति जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है कि पुलिस और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके बीच में जो टकराव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में जो महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति जो गिराई गई है उसके खिलाफ जो है ये प्रदर्शन जो है तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो 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 कार्यकर्ता हैं उनके हाथ में तख्तियाँ जो है दिखाई दे मिल रही है। पाकिस्तान के खिलाफ जो नारेबाजी है वो फिलहाल की जा रही है। तो ऐसे में प्रदर्शन बीजेपी कर रही है और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फेसबुक और इंस्टाग्राम ने नोटिस भेजा है। दिल्ली में रेप पीड़िता की शेयर की गई पोस्ट को हटाने की मांग की है। वहीं रेप पीड़िता के परिजनों की गई पोस्ट के मामले में फेसबुक ने एनसीपीसीआर को एक्शन रिपोर्ट भी सौंपी है और कहा कि तलब करने के बावजूद भी राहुल गांधी ने विवादित पोस्ट नहीं हटाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फेसबुक और इंस्टाग्राम ने नोटिस भेजा है। दल रेप पीड़िता के माता पिता के साथ शेयर की गई तस्वीर को हटाने की मांग की है। तो वहीं रेप पीड़िता के परिजनों की पोस्ट शेयर करने के मामले में फेसबुक ने एनसीपीसीआर को एक्शन रिपोर्ट भी सौंपी है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बूथ विजय अभियान 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे जो विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलेगा। इस अभियान के तहत जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और आपको बता दें कि इस अभियान का एकमात्र मंत्र होगा बूथ जीतो चुनाव जीतो। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बूथ विजय अभियान 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे जो विधानसभा चुनाव में 3 चरणों में चलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर होंगे और ये पहली बार होगा जब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो हिमाचल पहुँच रहे हैं। ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। 19 अगस्त से 23 अगस्त तक इस जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सीधे तौर पर अनुराग ठाकुर की अपील है कि उन्हें ना कोई टोपी ना कोई शॉल और ना कोई स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए बल्कि सिर्फ एक फूल के माध्यम से उनके ऊपर स्नेह और आशीर्वाद बनाया जाए। इस बात की अपील अनुराग ठाकुर ने की है। उनका ये भी कहना है कि वो हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान बहुत से लोगों को मिलेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपको बता दें जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज 19 से 23 अगस्त तक होगा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में ही लगभग 630 किलोमीटर का सफर ये यात्रा तय करेगी। एनडीए की परीक्षा का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। ये फैसला 5 सितम्बर को होने वाली एनडीए के एग्जाम से लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि महिलाओं को एनडीए में शामिल ना करना पॉलिसी डिसीजन है। इस पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिसी डिसीजन लिंग भेदभाव पर आधारित है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल पत्नी सुनंदा पुष्कर के मौत के मामले में दिल्ली कोर्ट ने शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। आपको बता दें कि शशि थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता से पेश आने का आरोप था। तो वहीं कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी किया तो शशि थरूर ने अदालत को शुक्रिया अदा किया और कहा कि 7 साल के बाद इस दर्द से राहत मिली है। मेघालय में हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है जिसका शिकार मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक गुवाहाटी एयरपोर्ट से वापस लौट रहे थे जिस समय उनके काफिले पर कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि उस पत्थरबाजी में किसी को नुकसान तो नहीं हुआ है लेकिन स्थिति को देखते हुए वहां कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह हमला मंगलवार की शाम शिलोंग में हुआ और स्थिति को देखते हुए आसपास के इलाकों में
इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा बुधवार को चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान नीरज चोपड़ा ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर नीरज चोपड़ा पहुंचे थे। यहां मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार की तरफ से नीरज चोपड़ा को जॉब का ऑफर दिया और साथ ही उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान नीरज चोपड़ा ने भी कहा कि हरियाणा की खेल नीति काफी बेहतर है और उससे खिलाड़ियों को काफी फायदा मिल रहा है। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी नीरज चोपड़ा को चोल उड़ाकर सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा हरियाणा के नव नियुक्त डीजीपी पीके अग्रवाल से भी मिले और डीजीपी ने इस दौरान उनको शुभकामनाएं दी। लाल बुधवार को ओलंपिक में आकी पदक विजेता सुमित के गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उत्साह और जोश के साथ स्वागत किया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के समक्ष गांव की समस्याओं के समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने गांव के राजकीय स्कूल 12वीं तक और इसके अलावा गांव के दोनों तालाबों की सफाई करवाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ग्रामीणों की सभी समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं से खासकर आग्रह किया कि वे सुबह उठते ही अपने बच्चों को आकी आकी कहना सिखाए। बच्चों में उत्साह जागेगा तो और भी गांव में सुमित पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने गांव में आकी के मैदान, जिस पर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और उसके साथ ही एक कोच की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की एक योजना है, हर गरीब को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले। इसके लिए सरकारी अधिकारी गरीब लोगों के घर जाएंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सीधे सरकार योजनाओं से अवगत कराकर उनसे जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री आज राई विधानसभा क्षेत्र में खिलाड़ियों का मान सम्मान किया और कहा कि खेल नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह के खेल जो हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में अनेक तरह की चर्चा हुई और गांव के लिए गांव की जो मुख्य समस्या थी उनका साथ के साथ निर्माण किया और कहा कि जो भी समस्याएँ हैं उस पर जल्द काम होगा और जल्द से जल्द गाँव का विकास भी होगा और इस तरह के खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए ताकि देश का नाम रोशन हो और हरियाणा का नाम रोशन हो। क्योंकि जब भी खेल होते हैं तो इस तरह के जो खेल नीति होती है उसमें खेल के दौरान जो खिलाड़ी बढ़ते हैं उनकी सरकार सम्मान करती है। रोहतक के सर्किट हाउस में भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चा के कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश के सभी कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े व ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कर्णदेव कंबोज भी इस मीटिंग में शामिल हुए। कर्णदेव कंबोज ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि इस मीटिंग का उद्देश्य है कि भाजपा संगठन को मजबूत करना। वहीं कर्णदेव कंबोज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को किसान नहीं चला रहे बल्कि कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य संगठनों के लोग चला रहे हैं, लेकिन उन्हें कानून के दायरे में रहकर ही प्रदर्शन करना चाहिए। अब पानी फिर से ऊपर उठ चुका है, अगर वह कानून व्यवस्था को खराब करना चाहेंगे तो सरकार उन पर कड़े कदम उठा सकती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत आज अम्बाला छावनी में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की। अनिल विज ने राशन डिपो पर पहुंचकर लाभार्थियों को खुद राशन वितरित कर इस योजना की शुरुआत की। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आज अपना 10वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर देने पहुंचे। मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 10वीं ही कक्षा में अंग्रेजी विषय का पर्चा उत्तीर्ण नहीं हुआ था, इस वजह से उनका 12वीं का परीक्षा परिणाम रोक लिया गया था। परीक्षा देने पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला ने मीडिया से सवालों से ये कहते हुए टाल दिया कि स्टूडेंट मीडिया से बात नहीं करते। आखिर 19 साल बाद रंजीत सिंह हत्या मामले में अब आएगा फैसला। जी हां, पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष सीबीआई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्या मामले में अब फैसला सुरक्षित रखा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज बल्लभगढ़ में हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री व बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में अन्नपूर्णा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सरकार की तरफ से गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त
अनाज देने का काम भी किया गया। तो चलिए जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद इतिहास रचकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पदक जीता, जिसके बाद पूरा देश आज हॉकी टीम की उपलब्धियों से खुश है। वहीं इसी टीम का हिस्सा रहे गन्नौर के हॉकी खिलाड़ी सुमित भी हैं, जिन्हें बधाई देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी समेत बीजेपी के कई नेता गन्नौर के कुराल गांव पहुंचे। इस दौरान विधायक निर्मल चौधरी ने बताया कि जो भी मांगे उनकी तरफ से रखी गई थी वो सभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मान ली है। साथ ही सुमित को मेडल लाने के लिए बधाई दी और कहा कि भविष्य में कई सुमित इसी तरह देश का नाम रोशन करेंगे। तो गांव के लोगों ने दरअसल सीएम को आमंत्रित किया था, एमएलए निर्मल चौधरी ने सीएम का स्वागत किया और सुमित को माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया और ये कहा गया कि अब सुमित जैसे कई लोग इस प्रदेश से सामने आएंगे, क्योंकि सुमित ने जो शानदार प्रदर्शन टोक्यो की सरजमी पर किया उसके बाद अब लगातार प्रदेश में, देश में खेलों को लेकर लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। तो गन्नौर की तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, गांव के लोगों ने सीएम को आमंत्रित किया था, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल गन्नौर पहुंचे, सुमित का जोरदार अभिनंदन किया गया। टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद इतिहास रचकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पदक जीता, जिसके बाद पूरा देश आज हॉकी टीम की उपलब्धि से खुश है। वहीं इसी टीम का हिस्सा रहे गन्नौर के हॉकी खिलाड़ी सुमित भी हैं, जिन्हें बधाई देने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी समेत बीजेपी के कई नेता गन्नौर के कुराड़ गांव पहुंचे। इस दौरान विधायक निर्मल चौधरी ने बताया कि जो भी मांगे उनकी तरफ से रखी गई थी वो सभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मान ली है। साथ ही सुमित को मेडल लाने के लिए बधाई दी और कहा कि भविष्य में कई सुमित इसी तरह देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगे। चलिए रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।